ये कहानी एक 15 साल की लड़की मियां की, जिसके शरीर में वक्त के साथ साथ काफी स्ट्रेंज बदलाव आने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। इस मूवी का नाम है ब्लू माई माइंड। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग छोटी सी प्यारी सी मियां को देख पाते हैं, जो कि समुन्द्र के किनारे खड़ी होती है। मियां को बचपन से ही समुन्द्र से लगाव था। यहाँ सीन कट होकर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और मियां 15 साल की है। तभी उसके पिता के नए जॉब के कारण उन्हें एक नए शहर में मूव करना पड़ता है और उसके पिता उसे एक नए स्कूल में ज्वाइन करवा देते हैं। ये मियां के लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जिसको नए दोस्त बनाने में काफी असुविधा होती थी। उसे स्कूल में अकेलापन फील होने लगता है और इसी अकेलापन को दूर करने के लिए वो कुछ नए दोस्त बनाने के बारे में सोचती है। वो एक रिच किड्स के ग्रुप के साथ हैंग आउट करने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, बट वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो काफी अपसेट हो जाती है। स्कूल से घर वापस आने के बाद उसकी मॉम उसे पूछती है कि स्कूल में उसका पहला दिन कैसा था। इस सुनकर मियां काफी गुस्सा हो जाती है और उसकी मॉम को एक धक्का देकर रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। मियां के इस बर्ताव के लिए उसे अपने डैड से काफी डांट भी मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मियां अपने अंदर कुछ चेंजेस नोटिस करती है, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। जैसे कि एक रात वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाती है और ग्लास में ढेर सारा नमक मिला के पी जाती है, जो कि काफी अजीब था। अगले दिन स्कूल में मियां फिर से उस ग्रुप के साथ बात करने की कोशिश करती है, मगर इस बार उस ग्रुप की लीडर जियाना उसे अपने साथ उसके घर चलने के लिए इन्वाइट करती है और मियां भी खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। वहां सभी लड़कियां मिलकर लड़कों के बारे में बातें करते हैं और पॉर्न देखते हैं। ये सब मियां के लिए काफी नई और अलग एक्सपीरियंस थी, क्योंकि वो भी धीरे धीरे एडल्टहुड में एंटर कर रही थी। जियाना उन्हें एक अजीब गेम खेलने बोलती है, जिसमें वो उसके दोस्त को उसका गला दबाने के लिए कहती है, मगर कोई ये करने के लिए राजी नहीं होता। तभी मियां कहती है, मैं करूंगी। वो उसके गले को दबाने लगती है, तब थोड़ी देर के लिए वो पास आउट हो जाती है, जिसके बाद होश आने पर वो कहती है कि उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है और बाकी लोगों को भी ट्राई करने के लिए कहती है। तब मियां कहती है, मुझे भी ट्राई करना है। तो जियाना उसके गले को दबाने लगती है, जिससे उसकी सांस फूलने लगती है और उसे समुंदर की एक झलक दिखती है। होश आने पर वो कहती है कि उसे अपने घर जाना है। घर पहुंचने के बाद मियां फिश टैंक के अंदर मछलियों को घूरने लगती है और अचानक उसमें से एक दो मछली निकाल के उसे कच्चा खा जाती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे अजीब लगता है और वो टॉयलेट में जाके उल्टी कर देती है। अगले दिन मियां और बाकी लड़कियां मिलकर स्कूल बंक करके शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां वो लोग बहुत कांड करते हैं। वो लोग मॉल के वॉशरूम में शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं और फिर एक सुपरमार्केट से कुछ चीजें चोरी भी करते हैं। जब एक सिक्योरिटी को उनके ऊपर शक होता है, तब वो लोग वहां से भाग जाते हैं और एक ब्रिज के ऊपर अपना ड्रेस उठा के लोगों को अपना बॉडी फ्लैश करते हैं। मियां भी उनकी ये कांड में अपनी पूरी योगदान देती है और फाइनली वो उस ग्रुप की एक मेंबर बन जाती है। एक दिन नहाते टाइम मियां नोटिस करती है कि उसकी पैर की दो उंगलियां आपस में अजीब तरीके से चिपक गए थे। वो कितना भी कोशिश करे बट उन्हें अलग नहीं कर पाती। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसकी मॉम आके उसे फिश टैंक से मिसिंग मछलियों के बारे में पूछती है, पर मियां कहती है उसे नहीं पता। लेकिन उसकी मॉम उससे ही जिम्मेदार मानती है, क्योंकि घर में और कोई मौजूद नहीं था। उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इससे मियां काफी अपसेट हो जाती है और अपने शरीर में हो रहे बदलाव के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो स्कूल बंक करके अकेली एक डॉक्टर से मिलने जाती है, जहां चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि एक बर्थ डिफेक्ट है, जो कि काफी नॉर्मल है और एक माइनर सर्जरी से इसे इजीली अलग किया जा सकता है। बट मियां कहती है ये उसका जन्म से नहीं है, ये कल ही हुआ है। इस उनके डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो सर्जरी की तैयारी करते हैं, पर मियां अचानक उठ के वहां से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको इसके बारे में पता चले। इसलिए वो खुद सुपरमार्केट जाके कैंची और बैंडेज खरीद लेती है उसकी उंगलियों को अलग करने के लिए, और बहुत दर्द सहकर कैंची से अपनी उंगलियां काटकर अलग कर देती है। अपने शरीर में हो रही ये सब अजीब बदलाव को देखकर मियां को अपने पेरेंट्स के ऊपर शक होता है। उसे लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि उसके मॉम डैड नॉर्मल थे और उसे अकेले इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। वो अपनी फैमिली एल्बम निकालकर देखने लगती है, लेकिन उसमें उसकी मॉम की एक भी प्रेगनेंसी की फोटो नहीं थी। जब मियां जाके ये बात अपने मॉम से पूछती है, तो वो उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं देती। मियां ये भी पूछती है कि वो उनके जैसा क्यों नहीं दिखती, क्या वो अडॉप्टेड है। मियां के मुंह से ये सब सवाल सुनकर उसकी माँ शॉक्ड हो जाते हैं, उसे डांट कर अपना होमवर्क कंप्लीट करने कहते हैं। अब मियां के पेरेंट्स भी उसके बदलते हुए बर्ताव को नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि खाना खाते टाइम मियां अजीब तरीके से खाने लगती है, जैसे कि वो बहुत दिन से भूखी हो। लेकिन उसके पेरेंट्स को उसका बर्ताव एक बचपना लगता है और वो हमेशा उसे डांटते रहते हैं। इसलिए मियां अपना ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ छुट्टीबाजी और शराब पी के बिताती है, और जवानी के जोश में वो अपने ही ग्रुप की एक लड़के के साथ पहली बार इंटीमेट होती है। एक दिन स्कूल के एक पिकनिक पे जाने के लिए मियां अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है, मगर उसके डैड उसे अलाउ नहीं करते हैं। बट मियां अपने शरारती दोस्तों के साथ मिलकर अपने डैड की नकली सिग्नेचर दिखा के पिकनिक पे चली जाती है। वहां वो लोग काफी नशे करते हैं और मियां उस लड़के के साथ फिर से इंटीमेट होती है, मगर इस बार उसे काफी दर्द होता है। इसलिए वो बीच में उसे रोक देती है और वॉशरूम में जाके देखती है कि उसके पैर में काले काले निशान आ चुके थे। वो काफी घबरा जाती है और वहीं पे ही पास आउट हो जाती है। इसी दौरान उसे फिर से समुंदर की एक झलक दिखती है, जिसके अंदर वो तैर रही थी। होश आने पर वो ढेर सारा उल्टी करती है और उसके एक दोस्त उसके पैर में आ रहे निशान को देख लेती है, तो मियां जल्दी से पैंट ऊपर करके वहां से भाग जाती है। घर वापस आते ही वो अपने पेरेंट्स को गुस्से में देखती है,
क्योंकि उन्हें उसका झूठ पता चल गया था और उसे काफी डांट भी मिलती है। तो मियां अपसेट होकर अपने रूम में जाती है और ड्रेस उतर के जमीन पर ही सो जाती है। अगले दिन नींद से उठने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके पैर से एक मछली की तरह छाले निकल रहे थे और वो काफी डर जाती है। वो सारे छाले को ब्लैंकेट में छुपा के स्कूल के लिए निकल जाती है। आज स्कूल में टीचर एक मछली को डाइसेक्ट कर रहे थे जिसका स्मेल मियां को काफी अट्रैक्ट कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं तब मियां अचानक वो मछली को कच्चा ही खा जाती है। इसी दौरान क्लास की एक लड़की उसे करते हुए देख लेती है, जिस पर मियां उसके गले को पकड़कर उसे दीवार पर पिन कर देती है और उसे धमकी देती है कि अगर ये बात उसने किसी से भी कहा तो वो उसे जान से मार देगी। अब चीजें धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बॉडी में हो रही इस बदलाव को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और काफी हेल्पलेस हो जाती है। अब धीरे धीरे स्कूल में भी उसके पैर को लेकर एक ह्यूमर फैलने लगता है कि वो बीमार है। उसी रात जब उसके पेरेंट्स एक मैरिज फंक्शन पर जाते हैं तब मियां तैयार होकर लेक के पास एक पार्टी में जाती है जहां उसके बाकी दोस्त शराब पीकर लड़कों के साथ पानी में खेल रहे थे। मियां अकेले ही काफी शराब पीती है और अपने लाइफ के बारे में सोचते हुए नीचे लेट जाती है। कुछ देर बाद उसे हेल्प मी की आवाज सुनाई देती है क्योंकि जियाना ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और पानी में गिर गई थी। मियां सीधा उठ के बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। जियाना पहली बार मियां को अपनी सच्ची दोस्त मानती है क्योंकि इतने लोगों के होने के बावजूद भी किसी ने भी उसका मदद नहीं किया। घर वापस आने के बाद मियां देखती है कि उसके रिब्स पर अजीब मार्क्स आ चुके थे, बिल्कुल एक मछली के गिल्स की तरह, और उसके पैर भी अब पूरी तरह से काले हो चुके थे। वो काफी रोने लगती है, उसे तो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए था। तभी जियाना उसके घर आती है और मियां की हालत देखकर डर जाती है और वही परी उल्टी कर देती है। मियां रोने लगती है और उसे वहां से जाने कहती है। अगली रात मियां फिर से एक और पार्टी में जाती है जहां कुछ लड़के उसे काफी शराब पिला देते हैं और फिर उसे एक कमरे में लेके उसके आंख में पट्टी बांध के उसे गलत काम करवाते हैं। तभी जियाना वहां पर पहुंचती है और उसे बचा लेती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने पैर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। इस उनके वहां मौजूद सारे लड़के डर जाते हैं और जबरदस्ती उसके पैर चेक करने के लिए उसके पैंट उतारते हैं और जो देखते हैं उनकी फटके चार हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये बीमारी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए वो उसे काफी गंदी गंदी गालियां देते हैं। मियां उसी हालत में रोते हुए वहां से भाग जाती है। अब उसकी हालत हद से भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मियां ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हाथ काट के सुसाइड करने की कोशिश करती है और वही पे ही बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसका होश आता है तब उसे एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है। उसके दोनों पैर अब एक नीले फिन में बदल चुके थे, बिल्कुल एक जलपरी की तरह। दर्द में मुश्किल से रेंगते हुए वो वाटटब के अंदर जाती है और उसे पानी से भर देती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, जैसे मानो उसके सारे दर्द गायब हो चुके थे। वो खुद से और फाइट करना नहीं चाहती थी और फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लेती है एज ए मरमेड, यानी कि जलपरी। इसके बाद वो जियाना को कॉल करके अपने घर बुलाती है, जो कि उसकी हालत देखने के बाद थोड़ी शॉक तो होती है मगर अपने दोस्त को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करती है। वो उसे खींच के अपने गाड़ी तक लेती है और उसे बीच में ले जाती है। वहां पहुंचने के बाद मियां आखिरी बार के लिए अपने मॉम को कॉल करती है और उनसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि वो उन्हें काफी मिस कर रही है। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो वो कहती है नहीं, अब उसे किसी का भी डर नहीं है क्योंकि यही उसका किस्मत है और समुंदर उसका घर। फिर आखिरी वक्त में मियां अपने दोस्त को एक गुड बाय हग करती है और उसे दुखी ना होने के लिए कहती है। फिर वो रेंगते हुए उसी समुंदर के गहराई में तैरती चली जाती है। वो अब उस नीले समुंदर में तैर रही पूरी तरह से एक जलपरी में तब्दील हो जाती है। आखिरकार उसे एक नया घर मिल गया था जहां उसके खुशियों का कोई लिमिट नहीं था। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी ब्लू माई माइंड की पूरी कहानी। दोस्तों मूवी में ये बताया नहीं गया कि मियां एक जलपरी क्यों बनी जबकि उसके पेरेंट्स नॉर्मल थे। मूवी के स्टार्टिंग में हम छोटी मियां को समुंदर के पास देखे थे। मुझे लगता है कि मियां की सगी मां असल में एक जलपरी थी। शायद उसके पेरेंट्स को मियां समुंदर के पास ही मिली थी जिसके बाद वो उसे अडॉप्ट किए होंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। यह मूवी हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज देती है कि अगर आप लाइफ में सच में खुश होना चाहते हैं तो पहले आप जैसा है पूरे दिल से खुद को एक्सेप्ट करें, तभी जाकर आपको आपकी जिंदगी की असली मायने पता चलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे व्यूअर्स में से 98% से भी ज्यादा लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 98% दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तभी जाके हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।